हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त साहिल खान, वेस्टीज फैमिली से, और आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ, स्कीम फंड डिटेल्स 2019 नवंबर को जो अभी चल रहा है महीना, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आज आपको दो चीजें बताने वाला हूँ कि स्कीम फंड कब मिलता है और किन कंडीशन में आपको स्कीम फंड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ऑलरेडी जो मैंने कुछ यहाँ पे चीजें लिख रखी है, ज्यादातर लोगों को पता ही है कि स्कीम फंड उनको कब मिलता है, बट फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे नए लोगों को भी जानने का मौका मिलेगा कि उनको स्कीम फंड कब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगा, शॉर्ट में। जब आप हमारे बिजनेस के अंदर में डायरेक्टर का लेवल अचीव करते हैं, तो डायरेक्टर का लेवल अचीव करने के लिए 10,001 PV आपको होना चाहिए, या आप 7501 PV करके भी आप डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हैं। बट जैसे कि आपको बताया जाता है दोस्तों कि 10,001 PV आपको मान लीजिए हो जाता है, और आपका करंट मंथ का जो बिजनेस कम से कम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 2,001 PV होना चाहिए। तो दोस्तों, 2,001 PV अगर आप करंट मंथ का बिजनेस करते हैं तो आप डायरेक्टर लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। बट अगर आप स्कीम फंड के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं तो वहां पे आपको 2,001 PV नहीं करना है दोस्तों, आपको करना है 3,301 PV। तो ये तो था हमारा ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए। सिल्वर डायरेक्टर के लिए क्या है दोस्तों, सिल्वर डायरेक्टर अगर आप स्कीम फंड से करना चाहते हैं तो आपका एक लेग जो कि एक डायरेक्टर लेग होगा, ये डायरेक्टर लेग होना चाहिए दोस्तों, और इस डायरेक्टर लेग से जो आपका बिजनेस आएगा 5,625, कम से कम जो पीवी होनी चाहिए, एक्चुअल पीवी का मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा और डिटेल से, ओरिजिनल बिजनेस, अब डबल पीवी जो चल रहा है उसके हिसाब से नहीं, एक्चुअल पीवी के हिसाब से होना चाहिए, मतलब एक डायरेक्टर लेग से आपके नीचे 5,625 का बिजनेस होना चाहिए। और दूसरा, आपका जो साइड मेंटर होना चाहिए, मतलब उस पर्टिकुलर लेग को छोड़ के, इस पर्टिकुलर लेग को छोड़ के बाकी के अदर लेग से आपको कम से कम का बिजनेस करना है, 2,101 PV का बिजनेस करना है, तो आप स्कीम फंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। सेम दोस्तों, गोल्ड डायरेक्टर के लिए क्या है, एक लेग LOB या 5,625 आप बोल सकते हैं उसको, एक्चुअल ओरिजिनल पीवी, और प्लस साथ में उनको अपने साइड से इस पर्टिकुलर लेग को छोड़ के ये भी डायरेक्टर लेग होना चाहिए। अच्छा, डायरेक्टर लेग मैं क्यों दोस्तों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक लेग से आपको 5,000 की जगह 6,000 PV आ जाती है, बट वो डायरेक्टर नहीं बन पाया है अभी, तो उस केस में उसका एलोबिक नहीं माना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्टर लेग से ये होना चाहिए 5,625। आगे चलते दोस्तों, और साइड से आपको 1,800 PV का मिलने करना है। सेम इसी तरीके से स्टार का दो लेग से आपको 5,625 आना चाहिए, और प्लस 1,401 PV आपका साइड होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नॉर्मल स्टार होते हैं उनको साइड जो करना होता है वो 1,000 PV करनी होती है, बट चूंकि आप स्कीम फंड क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको दो लेग LOB 5,625 के साथ, प्लस आपका साइड जो है 1,000 की जगह आपको 1,401 करना था। चलिए दोस्तों, यहां तक तो आप सबको पता था, मुझे आइडिया है कि आप सबको यहाँ का बहुत अच्छे से पता है, बट आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगा अभी दोस्तों जो आपको नहीं पता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि अभी हमारा डबल पीवी चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने LOB अचीव कर लिए है, है ना, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि LOB अचीव करने के बाद भी तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कब आपको नहीं मिलेगा। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी सिल्वर हो और आपका एक लेग ये डायरेक्टर है, आपका साइड जो है वो 2,101 PV करना है आपको, अगर आप स्कीम फंड क्वालिफाई करना चाहते हैं सिल्वर के लेवल पे, तो यहां पे आपका 5,625 होना चाहिए पीवी। दोस्तों, अभी डबल पीवी चल रहा है, अगर आपने 3,000 PV का काम किया ओरिजिनल, तो हो सकता है आपका ये 6,000 PV या उससे ज्यादा आ जाए, तो इस केस में आपको LOB नहीं मिलेगी, मतलब स्कीम फंड नहीं मिलेगा और LOB भी नहीं मिलेगी आपको। आपको दोस्तों LOB और स्कीम फंड अगर आपको चाहिए तो आपको ये 5,625 जो है ये ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब डबल पीवी नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअल पीवी या ओरिजिनल पीवी आप इसको हम बोल सकते हैं, ये होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आपकी टीम में, आपके ऐप के अंदर में भी जितने भी लोग हैं उनका देखिए कि एक्चुअल पीवी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एक्चुअल पीवी 5,625 से कम है, हो सकता है 5,000 हो ओरिजिनल और आपका डबल पीवी अभी 8,000 दिखा रहा हो आपका डबल पीवी, तो 8,000 है तो आप बोलोगे 5,625 हो गया मेरा, नहीं, अगर आपको स्कीम फंड चाहिए तो ये 8,000 डबल पीवी वाला नहीं चलेगा, आपको एक्चुअल 5,625 ओरिजिनल 5,625 करना पड़ेगा। और दोस्तों सेम साथ ही साथ आपको साइड में भी ये बातें ध्यान रखनी है जो आपको साइड करनी है। बहुत सारे लोग दोस्तों क्या होती है, चलो यहां तो ओरिजिनल पीवी कर लेंगे, ये एक्चुअल पीवी 5,625 ये ले आए एक्चुअल पीवी, बट सोच रहे हैं कि साइड,
साइड के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, साइड का जो उसका है अभी मान के चलिए साइड है अभी 2101 करना है, तो मान के चलिए अगर मैंने यहाँ पे 1500 पीबी मान लीजिए मेरा ओरिजिनल है, और चूंकि डबल पीबी की वजह से ये 3000 हो गया, ये तो उस हिसाब से तो 2100 मेंटेन हो गया, डुप्लीकेट थी ओरिजिनल पीबी 1500 थी और डुप्लीकेट यानी कि डबल पीबी के साथ जो हुआ वो 3000 हो गया, तो मेरा ये हो जाता है। इस केस में भी दोस्तों आपको 2101 मेंटेन नहीं हो रहा है, या मतलब स्कीम फंड के लिए माना नहीं जाएगा, साइड तो आपका मेंटेन माना जाएगा बट आप स्कीम फंड क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। स्कीम फंड अगर आपको क्वालिफाई करना है तो ये 2101 पीबी जो है आपका एक्चुअल पीबी होना चाहिए, रियल पीबी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, डबल पीबी के साथ काउंट ना करें इसको दोस्तों। चलिए सेम दोस्तों आपका इसी तरह आपके गोल्ड के लेवल पे भी है, स्टार के लेवल पे भी है, जो बाकी सारी चीज आपको मैंने बोली, आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल पीबी होना चाहिए। एक कंडीशन में आपको और बता रहा हूं और उसके लिए एग्जांपल लूंगा मैं, गोल्ड का लेवल, गोल्ड के लेवल के लिए दोस्तों 5625 चाहिए होगा, और दोस्तों साइड जो आपको करनी है वो 1801 पीबी मेंटेन करनी है। हो सकता है आप अगर ये लेवल करते हो तो बहुत अच्छा, अगर आप ये नहीं भी कर पाते हो, ये आपका 3000 पीबी ही रह जाता है, तो भी आप स्कीम फंड क्वालिफाई, क्यों दोस्तों, गोल्ड गोल्ड के लेवल पे 1,05,625 जो कि आपका है, अब यहां से आप 2001 से ज्यादा मेंटेन कर रहे हो, मतलब ये भी अंदर भी 20% पे है, तो मतलब आपका गोल्ड का लेवल है, और उस केस में आपको साइड कितना करना है 1801 पीबी करना है दोस्तों। यहां ध्यान रखना ये ओरिजिनल पीबी होना चाहिए, डबल पीबी में काउंट मत करना इसको, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, आपको स्कीम फंड नहीं मिलेगा। बट दोस्तों कभी कभी होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि मान के चलिए 1801 पीबी जो ये आपने निकाला है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों, आप यहां पे एक बंदा था ये 20% कभी किया था, बट अभी करंट मंथ में, इस मंथ की बात कर रहा हूं मैं, इस मंथ में हो सकता है ये 2001 पीबी, ये बंदा 2001 पीबी मेंटेन नहीं कर रहा है, मतलब इसका पीबी जो है ये 1000 ही है अभी, और आपने इनके अलावा 900 पीबी का काम और किया, ये भी 1000 पीबी भी ओरिजिनल है, मतलब इसमें डबल पीबी नहीं है, और इस पे भी डबल पीबी नहीं है, मतलब ये भी ओरिजिनल पीबी, एक्चुअल पीबी, और ये भी एक्चुअल पीबी, तो आपको चाहिए था 1801 पीबी, और यहां के हिसाब से अगर हम देखें तो 1000 ये और ये 1900 हो गया, तो आप कहीं सोचोगे कि एक लेग दो लेग और ये दोनों मिला के मेरा साइड हो जाता है दोस्तों, तो इस तरीके से आप स्कीम फंड के लिए क्वालिफाई नहीं करोगे। स्कीम फंड के लिए ये जो 20% वाला लेग था ना, ये आपका साइड में तो वैसे जुड़ेगा, मतलब अगर आप नॉर्मल गोल्ड डायरेक्टर का बिजनेस लेना चाहते हैं तो आपके लिए उस तो है, बट स्कीम फंड के लिए कंपनी बोलती है कि हम 20% वाले लेग का जो पीबी है वो स्कीम फंड के लिए आपका साइड में नहीं काउंट करेंगे। अगर आपको सिर्फ लेवल मेंटेन करना है तो ये माना जाएगा, बट स्कीम फंड के लिए नहीं माना जाएगा, मतलब आपको इस लेग के अलावा 1801 पीबी करना पड़ेगा, तभी आप स्कीम फंड के लिए क्वालिफाई करोगे। कई सारे दोस्तों का ये होता है, वो इनको भी जोड़ लेते हैं और इनको भी जोड़ लेते हैं और सोचते हैं कि मेरा साइड तो हो गया, मुझे स्कीम फंड मिलेगा। दोस्तों सिर्फ आपको नॉर्मल एज ए गोल्ड लेवल पे आपको चेक मिलता है, अगर आप इन लेग को भी लेके चलते हो तो ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने टीम के अंदर में इसको शेयर एंड लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों मैं आपको दोबारा मिलूंगा नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।